ट्रैवलर जो है उसका बात कर रहा हूँ यार, आसानी से गाड़ी नहीं मिल रहा है यहाँ से, और पैसा तो बहुत ही हाई मांग रहा है यार। फिर करेंगे क्या, पैसा तो है जेब में, ऐसा कोई बात नहीं है कि पैसा नहीं है, पर आसानी से दे दे थोड़ी इतने जल्दी में। तो थोड़ा सा आगे जाके देखता हूँ क्या होता है, और इतना आसान नहीं है यार जितना समझ रहे थे, यहाँ से मिल जाएगा। बस किधर है, बस तो फिर दूसरा जगह का नाम बोल रहा है, क्या नाम है नहीं है पता नहीं है यार। और कोई बोलता है 500 रुपये, कोई बोलता है 300 रुपये, कोई बोलता है 250 रुपये, ऐसा कुछ है। NGP से मतलब दार्जिलिंग जाने वाला गाड़ी सब 250 रुपये मांग रहा है, मतलब 150 रुपये में कोई गाड़ी मिला ही नहीं, फिर हम यहाँ आया। के उतरा हूँ, 2 घंटा लगा था रास्ते में, ठीक है। उसके बाद आगे उतरा हूँ और होटल भी ढूंढ लिया, तो होटल के बारे में बाद में बताएंगे, अभी बता देते हैं रास्ता का क्या हाल हुआ है। सिलीगुड़ी से लेकर यहाँ तक, मतलब सिलीगुड़ी तक तो ठीक था, रास्ते में धूप वगैरह सब कुछ था, और उसके बाद जब थोड़ा थोड़ा ऊपर चढ़ने लगे तो मतलब धूप ख़त्म हो गया, और मतलब तो ये है पोजीशन यहाँ का, यहाँ का व्यू देखो कितना बढ़िया आ रहा है कि नहीं। तो गाड़ी में 150 में हो गया था मेरे को, 150 एकदम परफेक्ट है, किंतु इतना दूर है यार मेरे को। असल में जब गाड़ी में बैठा तब पता चला यार, मेरे पिछवाड़े तो पूरा दर्द से भर गया था। हाँ, तो फिर भी आया जब, तब तसल्ली हुआ और सोचा कि नहीं 150 लिया है ठीक ही है, किराया इतना तक तो होना ही चाहिए। ओ यहाँ से देखो, मतलब दिखाएंगे कहाँ, वो वहाँ तक जो दिखाई दे रहा है फॉग, वो फॉग तक ही थोड़ा थोड़ा सा दिखने को मिलेगा, बाकी सब कुछ एकदम अंधेरा में ढका हुआ है यार। कश्मीर में आ गया कि कहाँ आ गया यार पता नहीं, कुछ दिखाई नहीं पा रहा हूँ तुम लोगों का। यहाँ का एक बार गहराई देखो कितना ज़्यादा गहराई है यहाँ। थोड़ा सा ट्रेन के जर्नी में बारे में भी बता देता हूँ। ट्रेन में मेरे को उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ, पर 2 घंटा लेट जो था उसके वजह से थोड़ा अपसेट था मैं, ठीक है। अभी ये जो जगह देख रहे हो ये है माल रोड बोलते हैं इसको, माल रोड बोलते हैं इसको। तो इतना कोहरा है, देखो मैं जब सिलीगुड़ी से जब आ रहा था जीप में जब था उसके अंदर, तो मतलब नीचे जब था पूरा धूप और धूप, इतना गर्मी लग रहा था। धीरे 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 जब मैं ऊपर चढ़ने लगा तो यार उसके बाद इतना ठंडा, इतना तेज ठंडा, तब क्या करें यार। फिर जाके बैग से अपना जैकेट निकाल के फिर पहन लिया, और फिर मेरे पास कोई टोपी नहीं था, फिर टोपी वगैरह खरीद के यार पहन लिया हूँ। अब तो बहुत थोड़ा सा आराम मिल रहा है, और आके फिर थोड़ा बहुत खाना वाना खा लिया हूँ।
अभी थोड़ा सा फिट लग रहा है। तो अभी बज रहा है करीब 4 बज रहा है। अब इस टाइम में कहाँ जाऊँगा कुछ प्लान नहीं बना रहा हूँ। अभी सोच रहा हूँ कि थोड़ा मार्केट वार्केट घूमेंगे। अरे यार देखो ना चार की और मतलब ठीक से नज़र ही नहीं आ रहा है कुछ। यार कहाँ घूमेंगे कहाँ जाएंगे बताओ फिर। तो इधर थोड़ा आसपास बगल में थोड़ा सा घूमेंगे और उसके बाद मार्केट थोड़ा सा दिखाएंगे क्या खाने का या क्या सिस्टम है। मैंने जैसे कि बोला था तो उसको अलग अलग वीडियो मिल जाएगा तुम लोगों को, तो तुम देखते रहना। पर बहुत ही अपसेट की बात है कि यहाँ पे कोहरे की वजह से मैं व्यू नहीं ले पा रहा हूँ अच्छा से। मैं कितना फीट ऊँचाई में हूँ मालूम है तुमको? करीब 7000 हूँ, 7000 फीट से भी ऊँचाई है यहाँ। और तुम लोग जब देखो सिलीगुड़ी जब आओगे, सिलीगुड़ी से पहले से तुम जब धीरे धीरे आने लगोगे तो तुम कब ऊपर चढ़ जाओगे कुछ पता नहीं चलेगा। ये लोग बोलता है कि ये जो माल रोड है मतलब ये जो एरिया दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे बहुत सारा शूटिंग हो चुका है पुराने जो फिल्म है। नया फिल्म में भी कभी कभी होता है जैसे कि प्रशोनजीत, रचना बनर्जी, रंजीत मल्लिक, ये लोग जो सब फिल्म बनाया है मतलब टॉलीवुड का सब शूटिंग यहीं पे हुआ है पहले। अभी तो बाहर में जाते हैं। तो ये जागाटो एक बार मतलब यहाँ पे दिखाई दे रहा है सिर्फ पतला सा एक तो चीज़ है और नीचे देखो खाई पूरा देख रहे हो पूरा खाई। अगर यहाँ से गिरोगे तो एकदम और इतना मतलब लग नहीं रहा है कि मैं आसमान में खड़ा हूँ, मतलब बादल जो है मेरे पे छाके बैठा हुआ है। अभी यहाँ का जो व्यू है ये व्यू तुम लोगों को कैसा लग रहा है? यार मेरे साथ जो दोस्त है ये मेड इन बांग्लादेश से घूमने के लिए आया है, तो इन लोगों को भी तुम लोग स्वागत करो और हमारे देश में, ठीक है? फिर चलो अगले का सीन दिखाते हैं। 4:30 के टाइम में तुम लोग देख सकते हो कि यहाँ का माहौल कैसा है, मतलब नीचे तक है गहराई, मतलब आसमान जो है वो यहाँ से नीचे दिखाई दे रहा है। और इस तरफ भी देख सकते हो कि मतलब आसमान का क्या हालत है देखो। तो ये जो स्पॉट है ये माल रोड का सबसे टॉप व्यू है। कभी कभार ये सब टूरिस्ट स्पॉट में सब जगह में कभी कभार टाइम देना चाहिए यार, है कि नहीं? चारों की ओर अंधेरा और अंधेरा ही है तो इसके बीच में चलना पड़ेगा हमको, कोई उपाय तो नहीं है। अब जैसे भी तैसे भी फुटेज जैसे भी आए तो तुम लोग एडजस्ट कर लो और इसी को देखो और इसी को इंजॉय करो। बाकी कल सुबह जो होगा वो देखा जाएगा। कल सुबह निकालने के बाद थोड़ा सा अगर मौसम अच्छा हुआ तो उसका नज़ारा दिखाएंगे। अब दार्जिलिंग को ही कश्मीर समझ के तुम लोग इंजॉय करो, ठीक है ना? साफ हो सकता है मतलब अगर सी में भाई घूम के आए लाए हम लोग एक ही साथ। समझता नहीं है यार। बच्चे की जान लेगा क्या? बच्चे का जान लेगा क्या? हाँ तो क्या बोल रहा था मिलिट्री?